एंटी करप्शन की कार्रवाई के हवाले से तो मुल्तान में शहरी को नाजायज हिरासत में लेने का मामला सामने आया है और एंटी करप्शन ने एक्साइज इंस्पेक्टर शेख सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। एक्साइज इंस्पेक्टर ने मोहम्मद अकबर के घर घुसकर खातिन से बदतमीजी की और एंटी करप्शन मोहम्मद अकबर को सरकारी गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर ने 2 लाख रिश्वत लेकर मोहम्मद अकबर को रिहा किया था। मजीद अहवाल जानते हैं सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन, अपडेट कीजिएगा कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है और एक्साइज इंस्पेक्टर है शेख सिकंदर, उनको गिरफ्तार किया है। एक्साइज इंस्पेक्टर शेख सिकंदर जो है वो शेरशाह के रिहायशी और मोहम्मद अकबर के घर में दाखिल हुए थे इन्होंने और खवातीन से बदतमीजी की थी, इतने इनके इल्जाम थे एंटी करप्शन की जानिब से। और एक्साइज इंस्पेक्टर ने 2,06,000 रुपए रिश्वत लेकर मोहम्मद अकबर को जो है वो रिहा किया था, जिस पर आज एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है और एक्साइज इंस्पेक्टर शेख सिकंदर के खिलाफ जुडिशियल एक्शन जो है वो मंजूर कर लिया गया और एक्साइज इंस्पेक्टर जो है उनको जमानत खारिज होने पर एंटी करप्शन ने आज गिरफ्तार कर लिया है। जी, जमानत खारिज होने पर गिरफ्तारी अमल में आई है। बहुत शुक्रिया सैयद माजिन अपडेट करने का।